Hello friends, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a personal knowledge collection. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैंने अलाहाबाद का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर किया गया है, जो भी जानकारी मिली है उसको यहाँ पे शेयर किया गया है मेरे चैनल पे। आप जाकर उस चैनल पे देख सकते हैं जो वीडियो बना है, मैंने बहुत अच्छे से डील किया है। फिर भी कुछ लोगों का कुछ डाउट रह गया है, मैं उस डाउट को क्लियर करना चाहूँगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाहाबाद ALP मेडिकल रिव्यू पार्ट वन मैंने बनाया था, वहाँ पे कुछ बच्चों को ने डाउट कमेंट किया है जी, डाउट पूछा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो इस डाउट को मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करूँगा जी। तो चलिए बात करते हैं उन डाउट की, तो उन डाउट को हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद मैंने अलाहाबाद का ही ये मैंने आज ये वीडियो डाला है जी, आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट वन है, इसको आप देखिए अच्छे से, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी जो डाउट कमेंट बॉक्स में आए थे इससे पहले वाले वीडियो का, मैं उसको क्लियर करूँगा। ये अलाहाबाद RRB अलाहाबाद के बच्चों को डाउट है जी। चलिए, तो किसी ने पूछा है कि सर BTech का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चेक कराना है। जी हाँ, अगर आपके पास ITI या डिप्लोमा जो भी है तो आपको क्या करना होगा जी, आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए BTech वाले 8 सेमेस्टर है तो उनका ईयर वाइज होता है, या तो फर्स्ट ईयर में ही दो एक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का साथ में रहता है, सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर साथ में होता है, तो ऐसे ऐसे होंगे जी। तो आप क्या कीजिएगा, उनको सेमेस्टर वाइज जो भी है उसको आप मेंशन कीजिएगा, या ईयर वाइज भी हो सकता है, दोनों सेमेस्टर साथ साथ में रहता है जी, तो सेमेस्टर वाइज आपको करना है। वैसे ही ITI वालों को भी करना है, लेकिन दो जो भी बच्चे ITI 2012 से पहले होंगे उनका जो सर्टिफिकेट था वो एक साथ आता था, क्या आता था जी, एक ही पेपर एक ही बार आता था, तो इसलिए उनको सेमेस्टर वाइज नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आ रहा है फॉर्मेट उसमें सेमेस्टर वाइज है जी, तो कम से कम कोशिश कीजिए आप लोग सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ले जाए, और अगर नहीं है आपके पास तो आप जाकर अपने कॉलेज से बना लीजिए जी। चलिए अगला क्वेश्चन जो डाउट है, कितने लड़के छांटे जा रहे जी। तो देखिए वो तो डिपेंड करता है बैच पे, अगर प्रॉब्लम रहेगा तो छांटा जाएगा, नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं छांटा जाएगा। मैं बात करूँ तो मेरे जो ग्रुप 12 लड़का ग्रुप था उसमें से एक लड़का को B1 स्टैंडर्ड दिया गया, बाकी सबको A1 के लिए पास कर दिया गया, और जो 13 था सेकेंड ग्रुप जो मेडिकल के लिए था उसमें भी एक लड़का ही छांटा, तो मैंने A1 के लिए B1 उसे भी मिल गया। तो देखिए वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं सब कुछ, अगर एक बार प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से दोबारा भी कर रहे हैं जी, माप रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ बता रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं B1 दे रहे हैं जी। क्योंकि आपको हमारे में जो मेडिकल में प्रॉब्लम होता है 6x9 हो गया था एक लड़के का जी, आई का प्रॉब्लम, तो उसमें तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो। चलिए जी, और उसके बाद में क्वेश्चन डाला गया है कि सेंट्रल लिस्ट और रेलवे का जो फॉर्मेट है। अच्छा जी, देखिए मैं बता देना चाहूँगा, अलाहाबाद जो जोन में था अभी किसी जनरल का ही और ALP का ही केवल हो रहा था जी, सारे बच्चे जनरल के ही थे, तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में डिस्कस नहीं कर सकता जी। बस यहाँ तक जो भी मेंशन है, आपकी ई एडमिट कार्ड जो है वहाँ पे मेंशन है, और नोटिफिकेशन जब दिया गया था तो आपको वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया था, और आप उसी फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करें जी, इससे आपको क्या होगा हेल्पफुल रहेगा जी। आपको कोई बच्चे कह रहे हैं कि रेलवे का अलग है और उसका फॉर्मेट सेंट्रल का अलग है, आप जी नोटिफिकेशन में आपको रेलवे ने दिया है उस फॉर्मेट को आप यूज कीजिए और आपके लिए वही फायदा रहेगा, ठीक है। बोला है कुछ भी, एक लड़का का क्वेश्चन था हाइड्रोसेल सिंगल सिंगल हो रहा है चेक या दो तीन लड़कों के ग्रुप में। देखिए तो हम अलाहाबाद की बात करें तो अलाहाबाद में देखिए कपड़ा एक तरफ, हम लोग पूरे लड़के थे लगभग 25 लड़के, और उधर से पूरा ढक दिया गया था जी कपड़े से, और एक डॉक्टर बस देख रहे थे, वो भी दूर से देख रहे थे, मतलब आपको समझिए कि टेस्टिस अगर छोटा बड़ा होगा तो भी पता नहीं चलेगा उन्हें, तो इतनी दूर से देख रहे थे, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अब और उसमें जो आपको केवल पैंट उतारना था जी, शर्ट भी नहीं उतारना था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आप समझिए कि आप अकेले हैं क्योंकि आपको दूसरा कोई देख नहीं रहा, केवल डॉक्टर देख रहा है और असिस्टेंट जो है वो भी देख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कि एडमिट कार्ड CBT 1-2 का कंपलसरी है। देखिए अभी तक अलाहाबाद में CBT 1 CBT 2 जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था उसमें एडमिट कार्ड में नहीं लिखा था, लेकिन जब सेकंड लिस्ट जारी हुआ उसमें CBT 1 CBT 2 और CBT 3 का एडमिट कार्ड जरूरी कर दिया गया है। अगर
एडमिट कार्ड में लिखा गया तो आपको ले जाना नेसेसरी बनता है जी, क्योंकि उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप गलती जाएगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपने बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो देखिए आप अपने से गलती तो करें जी, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक कम चले जाने पे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करिए जितना एडमिट कार्ड में मेंशन हो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएं जी। चलिए अगर क्वेश्चन है, डीवी एंड मेडिकल के बीच अलाहाबाद से मेडिकल, अच्छा डीवी और मेडिकल के बीच जैसे मेडिकल सेंटर पर जाने के लिए टाइम दिया जा रहा है कि नहीं। देखिए बात की जाए तो मुरादाबाद उन्हीं बच्चों को मिल रहा था जो स्टार्टिंग में ही जिस यानी फर्स्ट बैच का जो मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट बैच रूम था वो जो पहले हो जा रहा था उसको मुरादाबाद दिया जा रहा था, उसके बाद सेकंड को झांसी दे रहा था, उसके बाद आगरा दे रहा था लोग। तो देखिए दूरी कम होते जा रहा है, अब फाइनल जो लास्ट में जैसे इवनिंग शिफ्ट में जो थर्ड रूम में है उन लोगों को इलाहाबाद दिया जा रहा था। तो देख सकते हैं अब मान लीजिए सेकंड रूम कहीं जैसे हमारे लोग के साथ क्या हुआ था, सेकंड रूम के बच्चों कहीं लेट से डीवी हुआ तो उनको क्या दिया जाए, अलाहाबाद में ही चार पांच लड़कों को दे दिया गया था। तो वो लोग टाइम देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन गैप मिलेगा, ऐसा नहीं है जी, नेक्स्ट डे ही आपको 9 बजे हॉस्पिटल में पहुंचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डी हॉस्पिटल कैंडिडेट चूज करेगा या आरआरबी देगी। अच्छा देखिए हॉस्पिटल जो है, मैं बता देना चाहूँगा, हॉस्पिटल जो है आपको ऑलरेडी मेंशन है, प्रिंटेड है जी आपका समझिए जो मेमो है प्रिंटेड है उसमें हॉस्पिटल ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए कैंडिडेट को चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वो आरआरबी ही मेंशन करेगी, ऐसा इलाहाबाद में हो रहा है जी। अब और जगह क्या है हम नहीं बता सकते, लिस्ट किस हिसाब से निकल रही है। अच्छा जी अभी देखिए लिस्ट किस हिसाब से निकल रही है इसमें तो पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता चला कि इलाहाबाद में जो सारे कैंडिडेट पहुंचे थे 26 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या 27 को मेडिकल में जो पहुंचे थे, वो सारे के सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के थे और सारे के सारे एएलपी यानी A1 स्टैंडर्ड उनके A1 एंड बिलो स्टैंडर्ड के लिए ही पहुंचे थे जी। तो आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी से बुला रहे हैं, बाकी मैं और जोन का कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इलाहाबाद में 26 तारीख को जो भी बच्चे पहुंचे थे सारे के सारे जनरल कैटेगरी थे और उनका नंबर सबका 77 से शायद ज़्यादा ही नंबर था सबके, और मैक्सिमम नंबर मैंने 90 भी नंबर उसमें उस दिन सुने हैं जी। तो अब इसमें क्या क्राइटेरिया है हम तो बता नहीं सकते, लेकिन अलग अलग जोन अलग अलग वेरी करेगा जी, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक संभावना थी मैंने अलाहाबाद का डिस्कस किया आपके साथ। चलिए मेडिकल किस सिटी में हुआ है जी, मेडिकल बात की जाए तो देखिए इलाहाबाद का 6 सिटी में दिया जा रहा है जी, जो मॉर्निंग शिफ्ट में है उनका जैसे 60 बच्चे जा रहे हैं तो उनको 20-20 का ग्रुप बना दिया जा रहा है, तो उसमें मुरादाबाद आगरा और झांसी दिया जा रहा है, और इवनिंग शिफ्ट में फिर से 3-3 का ग्रुप बना दिया जा रहा है जिसमें कानपुर लखनऊ और अलाहाबाद हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल सिटी 6 सिटी है जी इलाहाबाद में। मेडिकल डेट डीवी के बाद मिलेगा, देखिए जी बात की जाए तो आपको डीवी का जो डेट मिला है आप वहाँ पर जाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो वहाँ पे आपको मेडिकल डेट दिया जाएगा, हॉस्पिटल दिया जाएगा, इसलिए आपका एडमिट कार्ड में मेडिकल डेट मेंशन नहीं किया गया है। शायद यही डाउट होगा और मैंने कोशिश किया, इसमें मुझे उस लड़के का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल रहा था, एडमिट कार्ड में नहीं बताया गया, एडमिट कार्ड में नहीं बताया जाएगा। अच्छा जी हाँ, एडमिट कार्ड में बात करूँ तो मेडिकल डेट नहीं बताया गया है, तो किसी बच्चों को ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि मुझे एडमिट कार्ड में मेडिकल डेट नहीं बताया गया जी। अच्छा एक क्वेश्चन है डाउट, फ्लैट फुट चेक हो रहा है क्या जी, तो हम इलाहाबाद का बोल रहे हैं जी, इलाहाबाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और इलाहाबाद रेलवे हॉस्पिटल में CMS रेलवे हॉस्पिटल में चेक हुआ जी, तो हम लोग का फ्लैट फुट नी नॉक वगैरह ये सब चेक नहीं हो रहा है जी, और हमने तो बात की जाए तो केवल आई में 2 लड़के को छटा गया हमारे जहाँ तक है, बाकी किसी में नहीं जी छटा गया किसी को। उसके बाद एक लड़का का कमेंट है मोनोर्किज्म है जी, मोनोर्किज्म मतलब होता है आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोनोर्किज्म में होता है कि टेस्टिज जो होता है एक हो जाता है जी, टेस्टिज एक हो जाता है, तो अब इसमें तो मैं क्या बताऊँ, इसमें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अगर मैं अलाहाबाद का जो मेडिकल प्रोसेस है जैसे वो बहुत दूर से है, बहुत दूर से मतलब छोटे भी नहीं बहुत दूर से, यानी मैं मान सकता हूँ 7 से 8 फीट दूर जो लड़का है वो पैंट उतार रहा है और उसको डॉक्टर देख रहे हैं, तो आप समझिए मोनो उसको 1 टेस्टिज या 2 टेस्टिज डॉक्टर को तो पता भी नहीं चलेगा। तो अब ये एग्जैक्ट तो वहीं पता चलेगा जिसका होगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर को तो नहीं पता चलेगा और पास भी हो जाएगा। और मान लीजिए लेडीज़ डॉक्टर मिलती है तो और भी बेनिफिट होता है, जनरली लेडीज़ डॉक्टर जो हमारे थी
तो वो चेक नहीं कर रही थी, दूसरे डॉक्टर आए और जल्दी जल्दी चेक कर दिए। तो इसका फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वहीं पे आपको पता चलेगा जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, डाउट है, मेरा ए मेडिकल नहीं किया गया, बी वन मेडिकल हुआ है। अच्छा जी, अब एक लड़के का कहना है कि मेरा मार्क्स जो है कि ALP का पास है जी, और फिर भी मेरा A1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं हुआ, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हुआ। तो ये आपको कैसे पता है कि आपका A1 मेडिकल का कट ऑफ पार है जी? अभी तो RRB ने कट ऑफ ही नहीं बताया है, तो आपको कैसे पता हो गया? मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता आपका क्या है, लेकिन आपने ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेक्नीशियन भरा होगा तो आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चेक हुआ है जी, क्योंकि B1, B2 और C1 जो है टेक्नीशियन के लिए और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड ALP के लिए है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं दिए, B1 दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको आई में प्रॉब्लम है, इसलिए वो B1 मेडिकल दिए हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये रहा तो क्वेश्चन एक क्लियर नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए, EBC में अप्लीकेशन, अच्छा जी, अप्लीकेशन करते वक्त ये EBC डाले हैं जबकि ये EBCD, तो क्या इनको सर्टिफिकेट प्रूव करना पड़ेगा? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि अप्लीकेशन में EBC डाले हैं लेकिन वो बेनिफिट नहीं लिए हैं, क्या उन्होंने EBC? देखिए, आपने अगर अप्लीकेशन में मेंशन कर दिया कोई भी चीज़ तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा जी, आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आपने बेनिफिट लिया है नहीं लिया इससे कोई फ़ायदा नहीं, आपने लिखा है कि EBC है तो आपको EBC का सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपने कह दिया कि आप 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट जमा करना पड़ेगा जी। आपने कह दिया कि अगर 12th पास है तो आपको मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट प्रूफ करना पड़ेगा जी। आपने कह दिया कि BTEC है तो आपको 8 सेमेस्टर के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट प्रूफ के साथ देना पड़ेगा जी। तो आपने अगर मेंशन किया है तो देना पड़ेगा, आप बेनिफिट लें या ना लें। क्योंकि यह बता रहा हूँ, इलाहाबाद में ही एक लड़का था जिसने E1 कैटेगरी से अप्लाई किया था और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ रहा था, कोई मुस्लिम में ही था तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ रहा था। तो उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन 26 तारीख को उसको शाम में कहा गया 4 बजे कि आप जाकर कोर्ट से बनवा कर लाइए। कोर्ट से बनवाने गया तो उसका तो नहीं बन पाया उस दिन, तो उसके बाद उसने 6 बजे रिपोर्टिंग आके जहाँ डिब्यू हो रहा था वहाँ बताया, और उसको कहा गया कि तो तुम 27 को जाओ मेडिकल करो और 28 को फिर से माइनॉरिटी कम्युनिटी का तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर आना तो तुम्हारा हम लोग क्लियर करेंगे, और रिमार्क में उसमें लिख दिए थे। तो 27 को मेडिकल के लिए गया था लेकिन उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी, जबकि वो जनरल से बेनिफिट लिया नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बोला एफिडेविट कब सबमिट करना पड़ेगा? देखिए, जब आपका डिब्यू हो रहा है, आपको गलत डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसी समय आपको एफिडेविट मांगा जाए। जैसे मान लीजिए आपके फादर्स का नेम है कपिल देव सिंह, देव DEO भी लिखता है, कोई DEV भी लिखता है, तो लिख दिया, तो अब गलत है तो आपको उस समय जैसे वो लोग चेक करेंगे तो उसमें पकड़ेंगे कि आपका वो स्पेलिंग गलत है, तो आपसे मांगेंगे कि इसका आप एफिडेविट दीजिए, तो आपको उसी समय एफिडेविट देना पड़ेगा। इसलिए आप एफिडेविट, जो भी गलती हो आप पहले से एफिडेविट बना लीजिए। और मैं बताएं, मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले में रिव्यू में मैंने कितनी बार मेंशन किया है कि नेम, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कूल का नाम, परसेंटेज, मार्क्स, जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया उस सभी डाटा आप अपने चेक कर लीजिए, अगर जो भी गलत हो उसका एफिडेविट बनवा लीजिए जी। इलाहाबाद PCM का कटअप किया गया है, मैं तो ये नहीं बता सकता PCM का कटअप, लेकिन मैं इतना आइडिया दे सकता हूँ कि 87 के आसपास एबव है जी PCM का कटअप रहा है, और 70 के आसपास रहा है ALP का, क्योंकि हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स 77 से हायर थे। तो चलिए जी, एक लड़के का क्वेश्चन है कि 6/18 पावर है जी, तो आपको टेक्नीशियन नहीं मिलेगी, सॉरी, आपको लोको पायलट नहीं मिलेगी, आपको टेक्नीशियन के लिए ही एलिजिबल किया जाएगा जी। एक बोल रहा है 6/9 है, हाँ जी, 6/9 अगर 9 है तो आपको फिर से A1 स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा, B1 या B2 या C1 ही दिया जाएगा। अब देख लीजिए B1, B2 और C1 जो क्राइटेरिया जब दिया गया था नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड किसको दिया जा रहा है, A1 किसको दिया जा रहा है, B1 किसको दिया जा रहा है, B2 किसको दिया जा रहा है, C1। आपका अगर मान लीजिए 6/18 है तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, 6/9 है तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप किस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं ALP का। और जिनको दिक्कत हो रहा है उनसे बात की जा रही है कि आपका आई का विजन 6/9 है, 6/18 है, उनको बता दिया जा रहा है कि आप इस विजन में फॉल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका मेडिकल स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। ALP का लिस्ट
किस बेसिस पे आ रहा है। अब जी एएलपी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिस्ट आ रहा है इसका बेसिस क्या है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम लोग जो भी पहुँचे थे इलाहाबाद में वो सारे लोग एएलपी के लिए पहुँचे थे और सब जनरल कैटेगरी के थे, तो शायद वैसा कर रहे होंगे कि एएलपी के सारे पहले जनरल को बुलाएंगे फिर से ओबीसी को फिर से एसटी एससी ऐसा बुला रहे होंगे शायद, मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट क्या क्राइटेरिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर भी जैसे सीरियल नंबर से जो 1 है पहले उसके बाद 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है ऐसे भी आ रहा है, तो एग्जैक्ट क्या मैटर है इसमें हम लोग मैं कमेंट नहीं कर सकता। बाकी चलिए सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, देखिए आपका लिस्ट में नाम नहीं आया एक तो देखिए लिस्ट बहुत बार आएगा, अभी आपको 4 मिनट भी चलने वाले हैं आपके, अब किस बेसिस पे लिस्ट बनना ये भी नहीं बता सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं आया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी लिस्ट आते रहेगा हमेशा, आप अपना चेक करते रहिएगा कभी ना कभी अगर आप का शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपका जरूर आएगा जी। तो बस ये सब डाउट है, अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं। देखिए जेन्युइन रीजन को तो मैं भी सिचुएशन देखकर बता सकता हूं, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिनके आंसर मैं नहीं देने में सक्षम हूं, तो प्लीज़ वो बच्चे कमेंट ना करें कि सर मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने इसके आंसर नहीं दिए थे, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो मैं उसका नहीं दे सकता, डॉक्टर ही बता सकता है, सिचुएशन ही बता सकता है वहाँ पे आपका कैसा चेक हो रहा है। और मैं इलाहाबाद का ही शेयर किया हूँ, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें एंड डिसलाइक करें, लेकिन प्लीज़ शेयर इसे जरूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।